हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हम पे इतना फेथ दिखाया, जिसकी वजह से हमारा सबसे पहला वीडियो एक ही हफ्ते के अंदर 5000 से भी ज्यादा व्यूज उसको मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच ऑफ फेथ। और आज पूरे वर्चुअल प्रॉफ्स की टीम की तरफ से मैं आपको इस चीज का वादा करता हूं कि ये जो फेथ आप लोगों ने हमारे ऊपर दिखाया है, इस फेथ को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। और सिर्फ आज या कल नहीं, बल्कि आपके एग्जाम्स होने तक हर पल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस लड़ाई में कदम कदम पर आपका साथ जो है वो देंगे। बोले बहुत ही अच्छी बात है सर, तो चलिए तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन सर बोले फिर एक सवाल ये आता है दिमाग के अंदर कि अब आगे व्हाट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन, कैसे बोले ये चीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं कि नवंबर 2021 का जो एग्जाम होने वाला है उसके पहले हम अपनी प्रिपरेशन को पूरे अच्छे तरीके से कर चुके होंगे, राइट। इसी चीज को बताने के लिए आज का जो ये वीडियो है हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आखिरी तक जब आप देखेंगे तो आपके हर सवालों का जवाब जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आपको वर्चुअल प्रॉफ के एफर्ट्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर तो करना ही करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो दोनों चीजों को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री वाले नोट्स, फ्री वाले अपडेट्स अगर आपको कहीं पे मिलेंगे तो वही दो जगह पे आपको मिलने वाले। बोले ठीक है सर। अब सर सवाल आता है सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 के बारे में। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, तो आई बिलीव कि यू नो अबाउट इट, लेकिन फिर भी एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट आपका है जो कि आप नाम दे सकते हैं अकाउंट्स का। सर सबसे इंपॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका तो बेसिक बेसिक भी जो है ना वो आपका क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है जिसका नाम है लॉ एंड बीसीआर, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। सो अगर आप बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में तो जितने भी बिजनेस फर्म्स होते हैं, फिर चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कीजिए, फिर चाहे आप पार्टनरशिप फॉर्म की बात कीजिए, फिर चाहे आप एचयूएफ वगैरह के बारे में बात कीजिए, या फिर आप कंपनी के बारे में बात कीजिए, सबको लॉ जो है वो कंप्लाई करना पड़ता है। गॉट द पॉइंट। तो लॉ का जो बेसिक है वो हम यहां पे समझते हैं। फिर उसके बाद में जो बीसीआर नाम का पार्ट आपका दिया गया है उसमें आप ये जानते हैं कि कैसे बिजनेस में कम्युनिकेशन किया जाता है बिजनेस वाली लाइन में, और रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। गॉट द पॉइंट। एंड फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है QA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर मैं इस सब्जेक्ट के अंदर बात करूं तो कुल मिला के ये लगा लीजिए तीन पार्ट्स जो हैं वो आपको यहां पे दिए गए। सबसे पहला वाला पार्ट सर बोले जिससे काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, दैट इज व्हाट, मैथ्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे जो मैथ है ना भाई साहब, ये आपके लिए बहुत टफ नहीं है। ऐसे वाला मैथ्स जो कि 10th तक आपने नहीं पढ़ा था, ध्यान देके नहीं पढ़ा था, वैसे था सिलेबस में लेकिन पढ़ा नहीं था, वो वापस आपको दे दिया। दो से तीन चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके 11th और 12th वाले हैं, बाकी 10th वाले हैं, तो इजीली वो आराम से हो सकता है। फिर इसके बाद में आपको लॉजिकल रीजनिंग LR नाम का भी एक टॉपिक इसी के अंदर दिया हुआ है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, अगर चाचा के, नाना के, मामा के, भतीजे के, काका को क्या कहा जाएगा, आपका उसके साथ में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। और फिर एक और टॉपिक यहां पर आता है, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, स्टेटिस्टिक्स। गॉट द पॉइंट। तो ये तीन चीजों को मिला के आपका 100 मार्क का एक पेपर बनता है जिसका नाम क्या है, QA, दैट इज व्हाट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और फिर उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, इकोनॉमिक्स एंड BCK। सर ये BCK क्या है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। गॉट द पॉइंट। बिजनेस की बात आप करने वाले हैं, कॉर्पोरेट लाइफ की बात अगर आप आगे चल के करने वाले हैं, कॉमर्स की बात अगर आप करने वाले हैं, तो सर कॉमर्स के बारे में या बिजनेस कॉमर्स के बारे में नॉलेज जो है वो आपके पास में रहना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये सब्जेक्ट को यहां पे डाल के दिया गया। गॉट द पॉइंट। तो कुल मिला के अगर ये चार सब्जेक्ट आपके यहां पे हैं तो हर एक सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं कि कितने मार्क्स का है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के।
सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके 100 मार्क्स के हैं, यानी कि इन टोटल अगर आप यहां पे बात करेंगे तो कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा भाई साहब, समझे 400 मार्क्स के पेपर जो है वो आपके रहने वाले। ये समझ में आया? अच्छा ध्यान ये दीजिएगा कि इनमें से अगर मैं स्टार्टिंग के ये दो चैप्टर्स, दो सब्जेक्ट्स, सॉरी ये दो सब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, कौन सा, अकाउंट्स एंड लॉ एंड बीसीआर वाला, ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव रहने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हो। सब मतलब अरे जैसा ट्वेल्थ में हो रहा था, कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर लंबा चौड़ा आपको लिखना वहां पे पड़ेगा, पैराग्राफ बना के आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अच्छा लेकिन वहीं पे अगर मैं इन दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, क्यूए के बारे में और इकोनॉमिक्स एंड बीसीआर के बारे में, सर ये आपके एमसीक्यू पैटर्न वाले सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहां पे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, साथ में चार ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा बताइए इनमें से सबसे सही जवाब क्या होना चाहिए। और जैसे ही ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहां पे एमसीक्यू पैटर्न आ जाता है, एक चीज जो कि यहां काफी तकलीफ देती है बच्चों को वो ये कि सर यहां पे आपको रहती है नेगेटिव वाली मार्किंग। सर नेगेटिव मार्किंग मतलब, मतलब ये मेरे भाई कि अगर एक क्वेश्चन का जवाब आपने गलत दे दिया तो वो एक मार्क तो गया, लेकिन उसके साथ में 0.25 मार्क्स जो है ना वो भी चले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा भाई सर। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव मार्किंग। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये दो पेपर्स में आपको नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, लेकिन वहीं पे अगर मैं यहां पे बात करूं तो सर सब्जेक्टिव वाला है इसीलिए कोई नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पे दिया हुआ नहीं। लेकिन फिर उसके बाद में अगर आप बात करते हैं पासिंग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है भाई साहब, अगर पासिंग के बारे में बात करते हैं तो अकाउंट्स में 100 में से कम 40 मार्क्स आपको लेके आना है। अगर मैं ये सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो यहां पे भी 100 में से कम 40 मार्क्स जो है वो आपको लेके आना है। अगर मैं यहां की बात करूं तो क्यूए में भी आपको 100 में से कम कितने मार्क्स लेके आने हैं, 40 मार्क्स लेके आने। एंड सेम थिंग फॉर द इको एंड बीसी के ऑल्सो, यहां पे भी आपको कम से कम 40 मार्क्स जो हैं वो लेकर आने हैं। ये समझ में आया क्या भाई साहब, इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा सर, अगर मैं ये 40 प्लस 40 प्लस 40 अगर मैं ये करूं तो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा सर? बोले 120। 1 2 3 4 सर हमारे साथ साथ हमें लगता है आपका भी मैथ्स काफी कमजोर है। यस कह सकते हैं ऐसा, प्रवीण सर का लॉ अच्छा है लेकिन मैथ्स बचपन से कमजोर है। जो चीज है उस चीज को डिनाई करने में कोई, सॉरी उस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा सर, अगर यहां आप 40 40 40 40 मार्क्स लेके आते हैं तो टोटल कितना होगा? बोले 160। तो क्या बोले हम पास हो जाएंगे? आंसर इज नो भाई साहब। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया है कि इंडिविजुअली आपको 40% आना चाहिए, लेकिन एग्रीगेट जो है यानी कि चारों सब्जेक्ट्स को मिला के आपको 400 में से कितने मार्क्स आने चाहिए? 50%। मतलब 200 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा काइंड ऑफ कह सकते हैं क्या, एक ट्रिक यहां पे डाल दिया, गेम जो है वो काइंड ऑफ यहां पे डाल दिया कि दोनों कंडीशंस को यहां पे क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यहां हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% लेके आने, एंड कलेक्टिवली अगर बात करेंगे तो 50% मार्क्स, यानी कि पास आप तभी माने जाओगे मेरे भाई जब आपको यहां पे 200 आ जाएंगे। इंडिविजुअली अगर आपने कितने भी लेके आ गए लेकिन यहां पे अगर 199 आ गए, हमें खेद है पर पूरा पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा, आपको सीए फाउंडेशन में दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, दोबारा पेपर जो है वो आपको देना पड़ेगा। सही में क्या सर? यस, इज दिस पॉइंट क्लियर? बट चिंता करने की कोई बात है ही नहीं, द रीजन बीइंग वर्चुअल प्रॉफ्स आपके साथ में है सर, शुरू से लेके आखिरी तक। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कमिट किया था, वर्चुअल प्रॉफ्स की पूरी टीम, एक्सपर्ट्स की टीम, सीएसीएस की टीम जो है वो आपके साथ में है, जो कि आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाने वाली है। सर क्या रहेगा हमारा प्लान ऑफ एक्शन? अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं तो जून वाला महीना अपना चल रहा है, राइट? बोले हाँ सर। यानी कि अगर मैं जुलाई से देखूं तो जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, क्योंकि नवंबर के सेकेंड या फिर थर्ड वीक में आपका क्या रहेगा, एग्जाम रहने वाला है,
ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो अक्टूबर तक 4 महीने के आसपास का टाइम जो है ना वो अपने पास में बचा। गॉट द पॉइंट? मैं सर नवंबर वाला महीना काउंट ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे पास में जो टाइम फिलहाल बचा है वो है सर 31st of October तक, जिसमें कि हमको क्या करना है, सब कुछ इतने अच्छे तरीके से कवर करना है कि जब हम नवंबर 2021 का एग्जाम हमारा देंगे तो रिजल्ट एक ही आना चाहिए, पास पास पास। सर उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। द रीजन बीइंग कि 31st of October तक यही वाली चीज पे हमें क्या करना है, फोकस करना। सबसे पहली बात, आपकी स्टडी विद वर्चुअल प्रॉप्स स्टार्ट हो जाएगी 25th of June से। 25th ऑफ जून को इसी चैनल के ऊपर हर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं वो डाले जाएंगे हर सब्जेक्ट के। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सब। बोले 25 जून की अगर मैं बात करूं तो 25 जून को हर एक सब्जेक्ट के, यानी कि अकाउंट्स की बात कीजिए, चाहे लॉ की बात कीजिए, चाहे स्टैटिस्टिक्स की बात कीजिए, दैट इज अ QA, और या फिर आप इकोनॉमिक्स की बात कीजिए, चारों चैप्टर्स के 5 से 6 घंटे के आपको लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपको 25, 26, 27 और 28 4 दिन का टाइम पीरियड आपके पास में होगा, जिसमें कि आपको वो क्लासेस को क्या करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी। सर क्या ये लेक्चर्स लाइव रहने वाले? नहीं, स्टार्टिंग के जो ये 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स होंगे ये प्री रिकॉर्डेड रहेंगे, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए अपडेटेड रहने वाले, यानी कि फ्रेश रिकॉर्डिंग, अभी की रिकॉर्डिंग जो है वो रहेगी, ठीक है साहब। और फिर 29th और 30th को, पहले 29th को आपके 2 सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद 30th को वापस से 2 सब्जेक्ट का रहेगा डाउट सॉल्विंग, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि अभी तक जो आपने पूछा क्या इसमें आपको कोई डाउट आया, या फिर यहां पे जैसे क्लासेस की बात अगर मैं करूं, सर बोले फ्री वाली क्लासेस हैं, क्या इसमें क्वालिटी मेंटेन हुई, क्या आपको लगता है कि फ्री वाली क्लासेस जो होती हैं उसमें क्वालिटी नहीं? अच्छा ये आपको पता है, यस राइट, अभी तक तो शहर में डिंडोरा पिटवा दिया गया होगा कि वर्चुअल प्रॉफ नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करवाता है, और वो भी क्वालिटी के साथ। एंड आई होप कि जब आपका डाउट सॉल्विंग रहेगा और जब वीडियो होगा तो उस कमेंट सेक्शन में आप वहां पर डालेंगे कि सर सिर्फ क्वालिटी क्लासेस नहीं है सर, बेस्ट क्वालिटी वाली क्लासेस। ऐसी हमारी उम्मीद है कि आपका रिप्लाई जो आएगा, फीडबैक जो आएगा, वो यही वाला आने वाला है। गॉट द पॉइंट? खैर जो भी है, लेकिन शेड्यूल ध्यान दीजिएगा, 25 से लेके 28 तक आपको जो स्टार्टिंग की क्लासेस दी गई होंगी 5 से 6 घंटे की, वो आपको कंप्लीट करनी है, 5 से 6 घंटे पर सब्जेक्ट वाली, ठीक है। और फिर 29th को 2 सब्जेक्ट का, 30th को 2 सब्जेक्ट का क्या रहेगा, डाउट सॉल्विंग। सो कौन से 2 सब्जेक्ट? इसीलिए मैंने आपको बोला व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, ये दोनों चीजों को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर चीज के बारे में, हर छोटी सी छोटी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वही मिलेगी। गॉट द पॉइंट? आगे की पूरी इंफॉर्मेशन जो आपकी रहेगी वो आपको वहीं पे ही मिलने वाली है, क्योंकि सर पहले ही दिन सारी इंफॉर्मेशन एक साथ तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर चीज है, फ्यूचर वाली चीजें आगे नीचे ऊपर पीछे होती रहती है भाई साहब। गॉट द पॉइंट? तो ठीक है सर, लेकिन फिर अभी ध्यान से सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज। सर जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, स्पेसिफिकली अगर मैं यहां पे बात करूं तो आज से ही आप नोट कर लीजिएगा कि 1st of July से लेके 30th of September तक आपके रहेंगे रेगुलर वाले लाइव क्लासेस, जो कि डेली 5 आवर्स होंगे, डेली 5 घंटे, मतलब अकाउंट्स भी होगा, फिर उसके बाद में लॉ भी होगा, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स भी होगा, फिर उसके बाद में QA नाम का जो आपका सब्जेक्ट है वो भी रहेगा। तो डेली बेसिस पे 5 घंटे की क्लासेस जो हैं, 4 से 5 घंटे के आसपास की क्लासेस जो हैं वो आपको अटेंड कर। सर शेड्यूल क्या होगा? व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे ही आपको इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है सर। लेकिन अच्छा सर मतलब 5 घंटे की मुझे लाइव क्लास करनी पड़ेगी? फिर बोले आप ये भी कहोगे कि बेटा CA कर रहे हो तो 10-12 घंटे की सेल्फ स्टडी भी कर लो? आंसर इज नो बेटा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर अगर आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है, लेकिन
हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपने क्लास को अटेंड किया तो इसके बाद में आपको खुद से ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कोशिश ये रहेगी। और अगर करनी भी पड़े तो इतना ही एक्सपेक्ट किया जाएगा, इतनी ही रिक्वेस्ट करी जाएगी कि जो आज की क्लास में पढ़ाया है वो आज की आज आपको क्या करना है, कंप्लीट कर, बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही चाहिए बस आपसे। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर। फिर उसके बाद, सर लेकिन एक सेकेंड, अगर मान लो मैंने ठान लिया कि मेरे को सेल्फ स्टडी नहीं करना तो क्या करूं? तो ऐसे केस में पहले 5 घंटे की आपकी क्लास हो गई, फिर जैसे ही जो सब्जेक्ट का चैप्टर या फिर रिस्पेक्टिव टॉपिक आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद में उसके ऊपर लाइव क्विज होगा। भाई सर ये ध्यान से सुनिएगा, सर जमाना चेंज हो चुका है, वो पुराना जमाना गया जब टेस्ट हुआ करते थे, बोर होता था यार, कौन जाएगा जाके टेस्ट दे, मैं ना दे, मैं नहीं दूंगा भाई सर। अब क्या है सर, अब पढ़ाई भी होगी और फन भी होगा। गॉट द पॉइंट सर? खेलते खेलते आप वहां पे क्या करेंगे, लाइव क्विज होगा सर, केबीसी आपने देखा होगा ना। बस ये है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फन वाले क्वेश्चंस बना के वहां पे आपको पूछा जाएगा कि बताइए लॉ में इसका जवाब जो है वो क्या होना चाहिए। मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा खेलने में, मजा आएगा सीए बनने में भाई साहब, राइट? चलिए फिर उसके बाद में सब बोले वीकली डाउट सॉल्विंग जो है वो भी आपका रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, हर एक सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी क्लासेस जो है वो हो रही हैं, तो डाउट्स आना लाजमी है। कोशिश ये करी जाएगी कि डाउट जो है वो आपके क्लास में ही कंप्लीट हो जाएं, लेकिन स्टिल कुछ बच्चे रहेंगे जिनको डाउट्स फिर भी आते रहते हैं सर, राइट? तो ऐसे केस में अलग से वीकली डाउट सॉल्विंग जो है वो आपका अलग से रहे। सर कब रहने वाला है? व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हर हफ्ते कौन सी डेट को कितने बजे कौन सी जगह तो सर एक ही आमने सर, ठीक है सर? कब होने वाला है इसके बारे में आपको ग्रुप पे पता चलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल दोनों आप ज्वाइन कर लीजिए। और फिर उसके बाद में सर मेंटरिंग सेशन, कई बार बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सर, बच्चा बोलता है साहब देखो बात ऐसी है, मैं सीए फाउंडेशन तो कर रहा हूं लेकिन साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा है, या मैं सीए तो कर रहा हूं लेकिन साथ में मेरा जॉब भी चल रहा है, मैं कैसे टाइम को मैनेज करूं सर? मेरे को ना दिन में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो मैं रात में पढ़ने वाला इंसान हूं सर, नाइट पर्सन जो रहता है, ठीक है? तो सर क्या कैसे किस तरीके से किया जा सकता है? काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेंटरिंग सेशन की सख्त जरूरत होती है, राइट? तो वो आपका अलग से वहां पर किया जाएगा। मतलब कहने का ये भाई साहब कि ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है ना, इस 3 महीने के टाइम पीरियड में आपका जो कोर्स है 30th of September तक पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाकर, और ये ध्यान से सुनिएगा, लाइव क्लासेस रहेंगी भाई साहब। ऐसा नहीं होगा कि पुराने रिकॉर्डेड वाले जो क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, लाइव क्लासेस रहने वाले, और वो लाइव क्लासेस जो है वो आपको सिंपली प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि डेली बेसिस पे आप अटेंड करोगे और आराम से अपना प्रिपरेशन जो है उसको करोगे। गॉट द पॉइंट? ये 3 महीने मैं आपको वादा करता हूं और आप मुझे वादा कीजिए कि हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। यूजुअली एक चीज होती है, ये मैं आपको पहले से वॉर्न कर दे रहा हूं, यूजुअली ऐसा होता है कि जहां पे चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है ना, तो वहां पे अपने को ना इंटरेस्ट नहीं होता कि हाँ ठीक है ना, फोकट में हो रहा है, कर लेंगे ना बाद में, कर लेंगे हाँ ठीक है ना, राइट? लेकिन ध्यान से सुनिए भाई साहब, आपको ये चीज की कदर करनी पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? और क्या मांग रहा हूं आपसे, सिर्फ इतना ही मांग रहा हूं भाई साहब कि हम लोग यहां एफर्ट्स ले रहे हैं कि ये कोरोना काल में आपको अपना पैसा जो है वो बर्बाद नहीं करना पड़े, तो आप थोड़ा एफर्ट तो ले ही सकते हो ना यार, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बोल रहे ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं एटलीस्ट अपने आप के लिए, और एटलीस्ट उन माँ बाप के लिए जिन्होंने आपके बारे में सपना सजाया है कि मेरा लड़का सीए बनेगा। यार शायद मेरे पूरे गांव में पहला लड़का होगा जो कि सीए बनने जा रहा है, शायद मेरे पूरे खानदान में पहली लड़की होगी जो सीए बनने जा रही है, उनके सपने के लिए बस इतना आपसे मांग रहा हूं मेरे दोस्त, सिर्फ इतना आपसे मांग रहा हूं कि पढ़ाई ईमानदारी से कर लेना मेरे साथ मिलके, कसर हम भी नहीं छोड़ेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। लेकिन हाँ एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं अबाउट द सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, अकाउंट्स, सर सीए में काफी सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है और उन बच्चों के लिए मैथ्स इज क्वाइट इजी, जम जाता है, लेकिन अकाउंट्स जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, ठीक है? तो भाई साहब
ऐसा नहीं होगा कि भैया 3 महीने में कोर्स खत्म करना है, चलो फटाफट पढ़ा के खत्म करते हैं, फ्री में पढ़ाना बोले वैसे भी। ना 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 ना, अकाउंट्स आपको पढ़ाया जाएगा इन डेप्थ, ताकि बेस आपका जो है ना, फाउंडेशन आपका जो है वो इतने अच्छे तरीके से कवर हो जाए कि आज के बाद में जिंदगी में जब अकाउंट्स की बात की जाए तो आपको प्रॉब्लम ही ना आए। चुटके में बता देगा, भाई साहब बैंक को पैसा दिया है तो ऐसे केस में मेरा जो अकाउंट रहेगा वो डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और वॉट एवर द केस में भी राइट। तो इसके लिए अकाउंट्स जो है वो आपका 30 सितंबर को हम जानबूझ के खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, क्वालिटी प्रोवाइड करना है राइट। और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, इंटर में आने के बाद और फाइनल में भी और जिंदगी में भी, भाई साहब वही तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैं सीए की बात करूं मेरे दोस्त, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर उसी को भगा भगा के निपटा दिया, क्या सेंस बनेगा? कोई सेंस इस बात की? कुछ लोगों को बड़ी लगती है राइट। चलिए भाई साहब, तो ये ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स का जो आपका कोर्स रहेगा वो 30 सितंबर तक जानबूझ के खत्म नहीं किया जाएगा, बिकॉज दैट इज अ टाइम टेकिंग थिंग। अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ाना भी है और उसको पढ़ना भी है, और भाई साहब अच्छी चीजें आने में टाइम लगता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए ठीक है सर। फिर उसके बाद लेकिन साथ में आपका 1st of October से 31st of October तक, अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक तो आपका जो अकाउंट्स है वो डेली बेसिस पे साथ साथ में चलता ही रहेगा, और बाकी जिन जिन सब्जेक्ट के आपके क्लासेस हो चुके हैं उनका स्टार्ट हो जाएगा मैराथन एंड रिविजन। सर ये मैराथन क्या होता है? सर मैराथन इज लाइक कह सकते हैं फुल डे रिविजन। सुबह बैठेंगे 10 बजे, रात को उठेंगे शायद 8 बजे, शायद रात को 10 बजे, शायद रात को 12 बजे, और या फिर जब तक के वो सब्जेक्ट आपका जो है वो पूरा पढ़ के नहीं हो जाता। एक दिन के अंदर पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज अपन कर रहा, एक दिन के अंदर मेरे भाई, सिर्फ एक दिन के अंदर। सर क्या बात करो, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, करके दिखाएंगे। ऐसा होता है, और जब ये हो जाता है ना, जब सुबह से लेकर शाम तक की क्लास आप अटेंड कर लेते हो, आप अपने बारे में, यार भाई ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है, कर एक दिन में पूरा सब्जेक्ट हो सकता है करके। लेकिन वही है, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए सर, और फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा भैया क्या, अच्छा हाँ, दूसरी बात ये कि यही वाला महीना आपका होगा जिसमें लाइव क्विज आपका कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन पहले 3 महीने चैप्टर वाइज था, लेकिन बाद में ये पूरा कोर्स वाइज हो जाएगा, पूरे सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, तब तक आपका रिवीजन भी हो चुका है, तब तक आपका रेगुलर क्लास भी हो चुका है, आपको पता है सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है। अंडरस्टूड द पॉइंट? और फिर मुझे बताओ भाई साहब, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट चाहिए, बताइए जरा एक बार कि अगर नवंबर में आपके एग्जाम्स होते हैं ये ऐसी प्रिपरेशन करने के बाद में, क्या उसमें आप फेल होंगे क्या? यस नो, क्या आप उसमें फेल? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए। क्या उसके बाद में कहीं पे भी कुछ चीज बचती है जिसके जैसे आप ये कहें कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा? आई डोंट थिंक सो राइट। फिर नवंबर में आपको अपना एग्जाम देना है, जिसमें मुझे तो ये पूरी 100% उम्मीद है कि अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस प्रॉपर तरीके से, ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, बैठे बैठे चीजें नहीं मिलती, और सीए की डिग्री तो बिल्कुल नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है राइट। तो आपको ईमानदारी से यहां पे पूरी पढ़ाई करनी होगी, पूरे अच्छे तरीके से जो जो आपको करने के लिए बोला जाता है वो सब आपको करना होगा, एंड वी विल नॉट ओनली यू, वी विल अचीव दिस। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट मेरे भाई, यही चीज मुझे आपको बतानी थी एक बार और। अगर आपको शेड्यूल देखना होगा तो मैं इसको जूम कर देता हूं, नहीं कर पाऊंगा सॉरी, आप इसको यहां से सिंपली देख सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। और इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज लगती है कि सर कोई चीज का डाउट अगर आपको होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर वापस से सर वर्चुअल प्रॉफ का ये स्टेप आपको कैसा लगा इसके बारे में अगर एक फीडबैक रिव्यू के तौर पे कमेंट सेक्शन में दे दे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा स्टेप है, लाइक का बटन अगर आप दबा देंगे तो बहुत ही दिल खुश हो जाएगा। अगर लगता है नहीं यार फ्री में कौन पढ़ाता है, फ्री में नहीं पढ़ाना चाहिए, डिसलाइक का बटन दबाना चाहिए, तो वो दबा दो मेरे भाई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं ठीक है। और उसके अलावा
कोई तो ऐसा आपके जान पहचान में होगा जो शायद सीए की क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाएगा, राइट? तो उसके भलाई के लिए प्लीज ये वीडियो जो है उस तक जरूर पहुंचा दीजिए। सोशल मीडिया का अपने लिए ना सही, किसी दूसरे के लिए थोड़ा तो फायदा करवा दीजिए। क्या करना है आपको? शेयर करना है सर, कहां पे? जहां कर सको। स्नैपचैट की स्टोरी भेजना है वो भेज दो, इंस्टाग्राम पे भेजना है वो भेज दो, फेसबुक पे भेजना है वो भेज दो, व्हाट्सएप का स्टेटस डालना है वो डाल दो, जहां पे भी कर सको। अगर आपके एक स्टेप से किसी भी गरीब का भला होता है तो इसमें बुराई क्या है यार, अच्छी बात है ना, कर देनी चाहिए, और ये कोरोना काल में तो जरूर करनी चाहिए। व्हाट द पॉइंट? मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।